हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो टुडे आई एम गोना शो यू माय मारुति सुजुकी ब्रेजा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आई हैव मेड सम चेंजेस टू माय ब्रेजा। एज यू कैन सी, सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने इसकी ग्रिल चेंज कर रखी है, दैट इज़ द रेंज रोवर स्टाइल ग्रिल। उसके बाद मैंने इसके हेडलैम्प्स पे ऊपर टेप करवा रखी है रेड कलर की। नॉर्मल हेडलैम्प है इसमें भी। एंड द फोक लैम्प इज़ ऑल्सो चेंज्ड, दैट इज़ द एंजल लाइट फोक लैम्प विद प्रोजेक्टर्स। Now let's see the side profile. As you can see, मेरा एक व्हील कप आई डोंट नो कहाँ चला गया, आई थिंक रोड पे चलते चलते गिर गया कहीं पे। Now on the rear side, as you can see, it's a VDI model and मैंने VDI और मारुति सुजुकी की बैजिंग को रिमूव कर रखा है। Let's open the boot. तो दिस इज़ द बूट स्पेस। कंपनी VDI मॉडल में पार्सल ट्रे नहीं देती साथ में, तो मैंने अभी तक वो लगवा भी नहीं रखी। सो VDI मॉडल में हमें पीछे बम्पर में पार्किंग सेंसर मिलते हैं एंड दिस इज़ द टेल लाइट फॉर बम्पर, दैट इज़ आफ्टर मार्केट। नाउ लेट्स सी द अदर साइड ऑफ द कार। As you can see, मैंने इसके फ्यूल लिड पे बूस्ट जेट डीजल लिखवा रखा है। अभी तक इसमें स्टॉक टायर्स ही हैं, मैंने कोई टायर में चेंजेस नहीं करवा रखे। सो दिस इज़ द रियर सीट ऑफ द कार, द रियर डोर पैनल। स्टॉक रूफ लाइट है इसमें अभी भी, स्टॉक MP3 प्लेयर है। सो दिस इज द आउटर लुक ऑफ माय कार, हाउ इट लुक्स। सो नाउ लेट्स सी द कार फ्रॉम इनसाइड। So let's go to the driver side. So driver side, सबसे पहले हमें क्या मिलता है, driver side door panel में हमें power window के controls मिलते हैं, lock unlock के controls and power window का lock unlock का button. So this is the bonnet opener and उसके साथ में जो button लगा है वो fog lamp का button है। I will show you later how it works. सो अंदर कार में हमें MP3 प्लेयर मिल जाता है जो ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, CD सपोर्ट करता है, AUX सपोर्ट करता है एंड USB सपोर्ट करता है। उसके बाद हमें मैनुअल एयर कंडीशन मिलता है इसमें, 12 वोल्ट पावर सॉकेट। सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द कार। एज यू कैन सी इट्स 41,128 किलोमीटर। मैंने इसके सुजुकी के लोगों को रेड टेप करवा रखा है। एंड दिस इज़ दी अनदर स्पेस फॉर स्टोरेज, दिस इज़ द ग्लव बॉक्स, दो कप होल्डर यहाँ पे है और पीछे थोड़ी सी स्पेस है। सो लेट्स स्टार्ट द कार। सो यू कैन लिसन द साउंड ऑफ द कार, इट्स वर्किंग प्रॉपरली विदाउट एनी क्लिंकी नॉइज। दिस इज़ द साइड मिरर कंट्रोल्स एंड दिस इज़ द फोक लैम्प कंट्रोल्स। सो लेट मी शो यू द इंजन एंड द साउंड ऑफ इंजन। लेट्स ओपन द बोनट। So this is the engine of my car and everything is good and fine. As you can see, the engine is working properly. And if you wanna clean your engine bay,
आई बटन में मैं लिंक छोड़ दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूंगा, यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो हाउ टू सुपर क्लीन योर इंजन बे। सो लेट मी शो यू इज देर एनी ब्लैक और वाइट स्मोक कमिंग आउट ऑफ माई कार आफ्टर 40,000 किलोमीटर। लेट्स सी। सो एज यू कैन सी देर इज नो स्मोक कमिंग आउट ऑफ माई कार। नाउ लेट मी शो यू दी इंजन लाइट प्रोजेक्टर्स एंड रियर बम्पर टेल लाइट्स ऑफ द कार। सो व्हेन आई टर्न ऑन द पार्किंग हेड लैम्प्स ऑफ द कार द बम्पर लाइट ऑल्सो गेट्स ऑन। तो आप देख सकते हैं इसका ग्लो काफ़ी अच्छा है, रात को काफ़ी ब्राइट दिखती है। So let's see the front side of the car, and as you can see only one fog lamp is working। पता नहीं दूसरे वाले फोक लैंप को क्या हुआ, वो पानी में जाके ख़राब हो जाते हैं। मैं दो बार इसको चेंज भी करवा चुका हूँ, पर यू नो इट्स अ चाइना सो ये बार बार ख़राब हो जाते हैं। ओनली वन फोक लैंप इज़ वर्किंग एंड लेट मी शो यू हाउ द प्रोजेक्टर फोक लैंप वर्क्स। सो दिस इज़ द प्रोजेक्टर बटन। Now let me show you. As you can see now projector is also running, but दूसरा fog lamp है उसका ना projector चल रहा है ना engine light चल रही है। Thank you for watching my video guys. Please do like, comment and share and don't forget to subscribe my channel. Stay tuned.